Hello guys, so today we talk about Sigma 30mm f1.4. अप्रॉक्स एक मंथ पहले मैंने ये बाई किया था अपने कैनन M50 के लिए। एक महीने का अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा, ये लेंस कितना अच्छा लगा मुझे। इन वन मंथ मैंने इससे बहुत सारे शूट्स किए हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में और अलग अलग तरीके के फोटोशूट और वीडियो शूट करें हैं। तो अपने एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा ये लेंस कितना अच्छा और लेने के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एक लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटो फोकस, बिकॉज ऑटो फोकस से ही लेंस के बारे में पता चलता है कि लेंस कितना अच्छा और कितना नहीं। बिकॉज अगर मैं 25 से 30 हज़ार रुपये अपने खर्च कर रहा हूँ एक लेंस को लेने में और उसके बाद मुझे ऑटो फोकस ही अच्छा ना मिले तो पैसा बर्बाद। इस लेंस का ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें साइलेंट मोटर है, जो ऑटो फोकस मोटर्स होती हैं बहुत ज़्यादा साइलेंट है, नॉइस का पता ही नहीं चलता है। अगर आपने F50mm F1.8 यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है फोकस लेते टाइम। इस लेंस की जो साइलेंस फोकस मोटर है उसकी वजह से फोकस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत इजीली वो फोकस लेता रहता है एक लेंस में। इसके बाद देखते हैं शार्पनेस, वो कितनी अच्छी शार्पनेस दिखा रहा है अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ में। बिकॉज अगर वो शार्प इमेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं आता फोटोज़ और वीडियोज़ में, वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है। इस लेंस की शार्पनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों में। बिकॉज मैंने इसे 50mm f1.8 से रिप्लेस किया है। 50mm लेंस को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मैंने 2-3 कंपनियों का 50mm यूज़ कर रखा है, मैंने मैनुअल और ऑटो फोकस दोनों ही लेंस यूज़ किए हैं 50mm में। तो शार्पनेस का मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि वो कैसी प्रोवाइड करता है। और इस लेंस को लेने के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, मैंने सही जगह पर पैसा लगाया। अब मैं आपके साथ कुछ फोटो सैंपल शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद कुछ वीडियोस के सैंपल शेयर करूँगा, जिसे देखकर आप बता सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ ये पैसा लगाने लायक चीज़ है। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control. ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, और हर बंदा जो पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी चीज़ पे वो बुरा ही नहीं करेगा कोई भी। बट मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगी। ये लेंस आपको 50mm थोड़ा सा कम ब्लर प्रोवाइड करता है, चाहे 1.4 क्यों ना हो, आपको 50mm f1.8 से ये ब्लर कम प्रोवाइड करेगा। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न है फोकस लेंथ। 50mm लेंस में आपको 50mm की फोकस लेंथ मिल जाती है, इसमें आपको 30mm की मिल जाती है। बट अगर आप क्रॉप सेंसर में यूज़ कर रहे हैं तो वही फोकस लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। 30mm आपको 48mm की लेंथ प्रोवाइड करता है और 50mm आपको करीबन 80mm की लेंथ प्रोवाइड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और भी चीज़ के रिगार्डिंग, आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों को फोटोग्राफी या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं।